हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 8 और क्लास 8 के अंदर सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेल क्या है? सेल को हम कोशिका भी कहते हैं। तो कोशिका क्या है? तो सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट के अलग सेल। अब अपन बात करते हैं सेल की। सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? सेल डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क की जो सेल्स थी, कॉर्क के अंदर इसको और बार को कॉर्क में इसको देखा था। और ये जो सेल की स्ट्रक्चर्स उन्होंने किस प्रकार दी थी, इस प्रकार सेल की स्ट्रक्चर्स बताए थे उन्होंने। और इसको एक जो है इसको एक सेल नाम दिया था, एक डिब्बे को स्ट्रक्चर और सेल। इस प्रकार अब सेल की खोज होने के बाद सेल के अंदर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की खोज हुई। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस को हम केंद्र भी कहते हैं। तो केंद्र की खोज किसने की थी? केंद्र की खोज हुई थी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्र की खोज। इसी प्रकार से केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका इसको अपन बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका की जो खोज है, इसकी जो खोज है, इसकी डिस्कवरी है, केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। फोंटाना इस प्रकार जो सेल है इसके अंदर विभिन्न ऑर्गन्स की, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको अपन कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस। तो कोई भी सेल होती है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ये सबसे पहले बाहर वाला सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर ये राइबोसोम्स होते हैं, इसके अंदर एक केंद्रिका भी होती है। तो ये न्यूक्लियस है सेल का। इस प्रकार से ये भारी भारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो पार्टिकल्स दिखते हैं ये है राइबोसोम, राइबोसोम्स। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस केंद्रिका। इस केंद्र के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी के अंदर इस प्रकार की अंतःपरदेवी जालिका भी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर राइबोसोम्स के पार्टिकल पाए जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। कुछ के ऊपर नहीं पाए जाते तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं ये जो पार्टिकल्स। अब ये जो बाहर का जो साइड, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड होता है, उस जेली लाइक लिक्विड को अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इस प्रकार इसके अंदर विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, किस प्रकार की विभिन्न प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें, उसी आकार सोसाइड बैग, पावर हाउस ऑफ द सेल्स हैं, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। उसी का सोसाइड बैग है, एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स है, ऑक्सोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, ये विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। तो ये सेल स्ट्रक्चर। अब अपन बात करते हैं
कि सेल है किस प्रकार हमारी बॉडी को निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल। तो सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी स्ट्रक्चर यूनिट है। सेल को जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिल जाती है तो बनाती है टिश्यू। टिश्यू बनाती है जिसको हम बोलते हैं ऊतक। और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं, टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से यानी कि अंग बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स या एक से अधिक ऑर्गन्स जब आपस में टूटते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम इसको बोलते हैं अंग तंत्र। और जैसे हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, वैसे इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ऐसे विभिन्न प्रकार नर्वस सिस्टम है, ऐसे सारे सिस्टम मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जितने भी सारे ऑर्गन सिस्टम जो आपस में मिल जाए तो हमारी बन जाती है बॉडी। तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसकी जो सबसे छोटी जो यूनिट है वो है सेल। तो सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी। बॉडी की जो हमारी जो सेल है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट में सबसे छोटी इकाई है। अब विभिन्न प्रकार की जो सेल्स होती हैं, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें सिंगल सेल, जिनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, जबकि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनकी बॉडी अनेक सेल से मिलकर बनी होती है। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज क्या है? ऐसे लिविंग ऑर्गेनाइज जिनकी बॉडी सिंगल सेल से या एकल कोशिका से मिलकर बनी होती है, ऐसी ऑर्गेनाइज को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। तो देखिए यूनिसेलुलर क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज, जिसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? तो ऐसे ऑर्गेनाइज यानी कि विच ऑर्गेनाइज दे हैव ओनली सिंगल सेल, यानी कि उनका जो बॉडी है केवल सिंगल सेल से मिलकर बनती है, वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब क्या है? सिंगल सेल वाले ऑर्गेनाइज हैं। अब कुछ ऑर्गेनाइज ऐसे भी होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइज जिनकी बॉडी अनेक सेल से मिलकर बनी होती है, दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। दो ऑर्गेनाइज देयर बॉडी हैव या देयर बॉडी मेड अप मोर देन वन सेल, यानी कि जिनकी बॉडी एक से अधिक सेल से मिलकर मेड अप, देयर बॉडी मेड अप मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज। ऐसे ऑर्गेनाइज को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज कहते हैं जिनकी बॉडी एक से अधिक सेल से मिलकर। अमीबा इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है सिंगल सेल्स में, पैरामीशियम चप्पल जैसा इसकी आकृति है। तो इस प्रकार ये अमीबा और पैरामीशियम को सिंगल सेल देते हैं। और मल्टी सेलर्स बहुत सारे जीव हैं जो मल्टी सेलर्स के अंदर आते हैं। मनुष्य यानी कि ह्यूमन है, मल्टी सेलर में ह्यूमन है, मंकी है, जितने भी बर्ड्स बड़े बड़े जो बर्ड्स है वो है, ये सब एलिफेंट है, ये सब मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं। प्लांट जो बड़े बड़े प्लांट्स है वो भी मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं। फंगी है वो भी मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं। एल्गी जो है, बड़े बड़े जो एल्गी हैं वो भी मल्टी सेलुलर के अंदर आती है। एनिमल और प्लांट्स, बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं वो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज के अंदर आते हैं। प्लांट सेल्स और अब अपन बात करते हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या अंतर है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल,
तो देखिए जो प्लांट सेल्स हैं और एनिमल सेल्स में उसमें कुछ डिफरेंस है, उनके आधार पर उनको अलग कर सकते हैं। तो देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल, जो प्लांट सेल है वो पहला डिफरेंस है कि प्लांट सेल है बिग वैक्यूल्स, वैक्यूल यानी कि प्लांट सेल का जो वैक्यूल्स होता है वो बड़ा होता है, जबकि जो एनिमल सेल है स्मॉल वैक्यूल्स, एनिमल सेल जो होती है उसमें वैक्यूल्स स्मॉल होता है, छोटा होता है। अब दूसरा जो डिफरेंस है, प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, यानी कि प्लांट सेल में क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, यानी कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। और इसमें तीसरा जो डिफरेंस है, तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इज आउटसाइड या न्यूक्लियस इज साइड, न्यूक्लियस साइड में होता है इन प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है साइड में होता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस तो सेंटर में होता है। तो न्यूक्लियस इन एनिमल सेल इन सेंटर के अंदर होता है, सेंटर के अंदर होता है। और इसमें नेक्स्ट डिफरेंस देखा जाए तो चौथा, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल इसमें कोई सेल वॉल यानी कि कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और प्लांट सेल के अंदर जो स्टोरेज फूड होता है वो होता है प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलोज के फॉर्म में होता है, जबकि हमारे जो एनिमल सेल है जो स्टोरेज फूड है इसके अंदर स्टोरेज जो फूड है एनिमल सेल के अंदर वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इस प्रकार हम प्लांट सेल्स जो होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट के कारण ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो सारे जो एनिमल्स है वो हेटरोट्रॉफ्स है, जबकि प्लांट हेटरोट्रॉफ्स होता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को हम किस प्रकार डिफरेंट कर सकते हैं, इस प्रकार हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप आप इसको समझ गए। अगर अच्छा लगे तो बच्चे इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया स्टडी मटेरियल्स लेके आए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।